स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 9 साइंस में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं सेल। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन से अलग अलग पार्ट, तो पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बोथ द सॉल्यूशन इज द सेम, और व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वॉटर इन द बोथ द सॉल्यूशन इज द सेम द सॉल्यूशन इज सेड आइसोटोनिक। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन जो है पानी के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स आपने Na जितना डाला है उतना ही Ca भी डालोगे तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वन सॉल्यूशन इज लोअर इन कंपैरिजन विद अनदर, व्हेन देयर इज अ मोर वाटर इन द वन सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द अनदर, द फॉर्मर सॉल्यूशन इज सेड हाइपोटोनिक। ओके, एक से दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगा तो उसमें पानी ज्यादा होगा, तो उसको भी बोलते हैं हाइपोटोनिक। उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपोटोनिक। अब देखो हाइपरटोनिक, अब नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। तो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन सॉल्यूशन इज हायर इन द कंपेरिजन विद दैट ऑफ द अदर सॉल्यूशन, तो अगर एक सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन दूसरे से ज्यादा है, तो व्हेन देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ द वॉटर इन वन सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वॉटर इन अनदर। ओके, तो एक से दूसरे में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो एक से दूसरे में पानी भी कम होगा, तो ये वाला जो पानी कम वाला जो सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। ओके, अगेन आइसोटोनिक मीन्स दोनों में पानी सेम, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक मीन्स जिसमें पानी कम होगा उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, और हाइपर तो जिसमें पानी ज्यादा होगा उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। ओके, हाइपरटोनिक। फिर व्हाट इज ऑस्मोसिस, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, एक्सप्लेन वन एग्जाम्पल ऑफ द सेड प्रोसेस। ओके, तो ऑस्मोसिस क्या है? तो ऑस्मोसिस इज द पेक्यूलियर टाइप ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की एक प्रोसेस ये क्या है? ये डिफ्यूजन की एक प्रोसेस। डेफिनेशन, वाटर मॉलिक्यूल पास फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द, किसके थ्रू जाएंगे? तो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन्स कैप्ड बिटवीन टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, दिस प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। तो डिफरेंट अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, तो हायर से लोअर वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होगा, वो किसके थ्रू होगा? तो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से होगा। इन दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। ओके, तो ऑस्मोसिस डज नॉट अकर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स बिटवीन द टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बीच में नहीं होगा। अब एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस, तो फर्स्ट है हैंस एग, आफ्टर रिमूविंग द कैलकेरियस सेल जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन प्लेस इन क्लीन वाटर स्वेल्स आफ्टर सम टाइम, द एंट्री ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस इन द एग इज प्रोसेस ऑफ द एंडोस्मोसिस। ओके, इफ द हैंस एग आफ्टर रिमूविंग द कैलकेरियस सेल इज प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन इट लॉसिस वाटर बाय एक्सोमोसिस एंड श्रिंक्स। ओके, वो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड, ड्राइड ग्रेप्स एंड एप्रिकोट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, इन दोनों को वाटर में रखोगे तो स्वेल्स आफ्टर सम टाइम, थोड़े से टाइम के बाद उसमें स्वेलिंग आ जाती है। फ्रेश ग्रेप्स और फ्रेश एप्रिकोट व्हेन प्लेस्ड इन द कॉन्सेंट्रेट सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन लॉसिस वाटर बाय एक्सोमोसिस एंड श्रिंक। ओके, वो भी पानी के अंदर रहता है तो वो भी अपने अंदर का पानी क्या कर देता है? दे देता है या तो घुमा देता है। तो ये भी सेकंड एग्जाम्पल। फर्स्ट हो गया हैंस के एग का, और सेकंड एग्जाम्पल आपका हो गया ड्राइड गैप का। किसका हो गया? ड्राइड गैप। थर्ड, द एपिडर्मल सेल ऑफ द ट्रांसकैंडिया लीफ व्हेन प्लेस इन कॉन्सेंट्रेट सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये जो सेल है ट्रांसकैंडिया लीफ का, उसको आप कॉन्सेंट्रेट सॉल्ट में रखो या तो शुगर के सॉल्यूशन में रखो, उसके बाद आप माइक्रोस्कोप से उसका ऑब्जर्वेशन करो, शो दैट द सेल कंटेंट
डिटेच फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू लॉस ऑफ द वॉटर बाय एक्सोमोसिस। तो देखो आप अगर इसको आप देखोगे ना तो ये जो लीफ है ना वो मुरझा जाएगा। और कोई भी चीज कब मुरझा जाती है, जब उसको पानी नहीं मिलता, या तो कोई भी चीज कब मुरझा जाती है, जब उसमें से पानी रिमूव हो जाता है। तो यही देखा है, देखो टू शो दैट सेल कंटेंट गेट डिटेच फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू लॉस ऑफ वॉटर, और उसमें क्या हो जाता है, पानी लॉस हो जाता है। ओके, फ्रॉम द सेल एंड द साइटोप्लाज्म श्रिंक, फ्रॉम द सेल्स एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक। ओके, इंपोर्टेंस क्या है, फ्रेश वॉटर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स ऑब्टेन वॉटर बाय ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस, उसका इंपोर्टेंट क्या है कि फ्रेश वॉटर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट जो सेल है वो इसी के कारण वो पानी लेते हैं। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, इंपोर्टेंट हो गया। द एब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट अकर बाय ऑस्मोसिस। तो जो पानी का जो एब्सॉर्प्शन होता है किससे, सॉइल से, रूट्स जो पानी लेता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस। ओके,